हम बात कर रहे हैं BCG की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ ही स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई है। 13.50 रुपये की लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक किया था। इस बाउंस बैक के साथ हम देख सकते हैं जहां से इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन फेस करके गिरावट दिखाई, अगेन उसी लेवल पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया 17 रुपये की ही लेवल पर। यहां से लगातार हमको लो और लो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। जंप स्टॉक में आ रहा है लेकिन अपने रिसेंट हाई को स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन चार्ट पैटर्न लोअर लो बन रहा है। इस अकॉर्डिंग अगर अपने इस सपोर्ट लेवल को जहां से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है 14.50 रुपये का लेवल, इसको नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर गया तो फिर वैसी कंडीशन में आखिरी सपोर्ट रहेगा जहाँ से इससे पहले सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ है। इसके तगड़े सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। इस लेवल से खेल पलटने के चांस बनते नज़र आ रहे। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है दोस्तों 13.50 रुपये के लेवल को, इस सपोर्ट को, तो फिर वैसे कंडीशन में बड़ी गिरावट दिखा सकता है। 12 रुपये तक का भी फॉल BCG में फिर हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर स्टॉक इस सपोर्ट से बाउंस बैक होता है, जिस तरह से हमको यहाँ छोटी मोटी बाइंग देखने के लिए मिल रही है, बाउंस बैक होता है तो वैसे कंडीशन में जो टारगेट हमारे सामने निकल कर आएंगे 15.50 रुपये का लेवल, 16 रुपये और 17 रुपये तक के भी टारगेट फिर स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन बड़े मोमेंटम के लिए, बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक को अपने इस हाई को यानी 17 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिल गई 17 रुपये के लेवल पे, फिर वैसी कंडीशन में BCG में बड़ा जम देखने के लिए मिल सकता है, बड़ी बाइंग हमको देखने के लिए मिल सकती है, सर्किट भी हिट होते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन स्टॉक रिस्की स्टॉक है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलना ठीक रहेगा। उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना हम खो भी दे, जितना पैसा अपना डूब भी जाए तो हमारे पोर्टफोलियो पर और हमारी लाइफ पर कोई इसका इम्पैक्ट ना हो। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।